नमस्कार। मैं क्वेश्चन आंसर्स को फिर से लेते हुए आपका प्रियंका दहाय पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। हेलो सर, मैंने फॉलिकल स्टडी करवाया था, डॉक्टर ने बोला एक नहीं बन, पीरियड रेगुलर है, तो क्या अभी नेक्स्ट मंथ में भी एक नहीं? ऐसे क्वेश्चन आप इसलिए मत करिए क्योंकि जो बहुत ज़रूरी हो वो हम जवाब दे सकते हैं, ज़रूर बन सकता है एक, हम जो आओ प्लीज़ बताना डॉक्टर मेरा बच्चा बंद करने का क्या करे। ब्रिजेश चंद्र, सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, बार बार पूछ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं, मेरे बीबी को इम्परफोरेट हाइमेन की प्रॉब्लम है, क्या आपके यहाँ इलाज अवेलेबल है? ब्रिजेश जी, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर में इसलिए ज़रूरी है बोलना क्योंकि आपकी वाइफ को यदि इम्परफोरेट हाइमन है तो वो इम्परफोरेट हाइमन किस लिए है? उसको पीरियड नहीं आता होगा, पीरियड आ सकता है कि नहीं, यूट्रस ठीक हो सकता है कि नहीं, क्या उसको सरोगेट प्रेगनेंसी की ज़रूरत पड़ेगी? ये तमाम आंसर्स तभी दे पाऊँगा जब आप दिखाने आएंगे या फिर आप अपने शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, तो आपको बता सकते हैं। पूनम डालू, PCOD में योग से कितने हद तक फ़ायदा? आपको मैं क्लियर बताऊं, आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, पर आप कुछ ना कुछ करते रहिए। वेट घटाना यदि 2-3 किलो भी होता है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफरेंस और बहुत फ़ायदा करता है। सुदेश यादव, सर यू आर गुड डॉक्टर, वे ऑफ ट्रीटिंग ऑल्सो गुड। अरे थैंक यू वेरी मच सुदेश फॉर गिविंग मिस दिस एनकरेजिंग रिमार्क, दिस गिव्स मी अ हेल्प मी टू डू बेटर। रमेश यादव, सर मैंने आपके बताए हुए टिप से IVF सक्सेस हुआ, जैसे इट इज़ ए लॉन्ग क्वेश्चन एंड आई आपको बधाई देता हूँ IVF के लिए। सरजू पांडे, क्या थायराइड और एंडोमेट्रियोसिस के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको IVF ही करना पड़े। रमेश यादव, सर मैंने आपके बताए हुए टिप्स से IVF सक्सेस हुआ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में 15 दिन में एक या दो बार रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, छोटे मोटे कामों के बिजी रहना 15 दिनों, मैंने 3 टिप्स थर्ड टाइम में IVF रिजल्ट सक्सेस किया, थैंक यू वेरी मच सर। वरना डॉक्टर्स ज़्यादातर बेड रेस्ट ही बोलते हैं, 2 बार टोटल बेड रेस्ट किए पर रिजल्ट फेल आया। दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग रिमार्क रमेश यादव, एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि IVF के बाद में बहुत बेड रेस्ट लेने का कोई औचित्य नहीं है। आपको नॉर्मल एक्टिविटी करना चाहिए, आपको नॉर्मल इंटरकोर्स होना चाहिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बजाय इसके कि उससे फ़ायदा होने की उम्मीद बढ़ती है। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।